एवरीवन, 10th क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.3 और इसमें हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे क्वेश्चन 3 करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में जो चतुर्भुज है, यहां पे कोई चतुर्भुज दिया हुआ है उसने ए बी सी डी, ये कोई हमने चतुर्भुज मारा है, इसमें इसके शीर्ष दिए हुए हैं इसी क्रम में, यानी -4, -2 आगे दिए हुए हैं -3, -5 -3, -5 और इससे आगे दिए हुए हैं 3, -2 3, -2 और डी के हैं 2, 3 इसमें कहा कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, देखो चतुर्भुज का तो हमने क्षेत्रफल नहीं पढ़ रखा, लेकिन हमने इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के निर्देशांक में पढ़ रखा है। जो फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला ये था कि 1/2 क्या याद रखना था 23, 31, 12 यानी x1 और यहाँ पे क्या y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, ये हमने फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने पढ़ रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल। तो हमने क्या काम करा, हमने यहाँ से यहाँ तक एक इस पे क्या डाल दिया, हमने विकर्ण डाल दिया। अब जब विकर्ण डालने के बाद एक त्रिभुज तो ये बन गया ऊपर वाला, एक त्रिभुज क्या बन गया, ये नीचे वाला त्रिभुज बन गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, पहले इस वाले ऊपर वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है। और फिर किसका निकालना है, आपको त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में क्या जाएगा हमारा आंसर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आंसर हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 प्लस x3 y1 - y2। ये हम फॉर्मूला हमने बना ली थी, ट्रिक सीखी थी कहां से फॉर्मूला है, बस इस पर वैल्यू पुट करनी है। अब त्रिभुज हमने क्या, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जिसके मान रखे हुए हैं, एक निर्देशांक क्या है, -4, -2 हमें मान सकते हैं x1 y1 के मान। फिर बी के दिए हुए हैं, बी के क्या दिए हुए हैं, -3, -5 यानी x2 और y2 के मान। और डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3 तो हमें क्या क्या मान सकते हैं, x3 y3 के निर्देशांक। अब हमने इनके निर्देशांक माने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस वाले फॉर्मूले में रखा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, 1/2 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू रखो, x1 का मान कितना है यहाँ पर, -k4 इंटू y2 - y3 का मान कितना है, -k5 और -y3 का मान कितना है, 3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस होता है, प्लस के बाद फिर क्या होता है, x2 प्लस x2 का मान कितना है, -k3 और ब्रैकेट हमने लगाया, लगाने के बाद में y3 - y1 y3 का मान कितना है यहाँ पर, 3 -y1 का मान कितना है, -k2 और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3 का मान कितना है, 2 इंटू फिर क्या क्या आता है यहाँ पर, y1 - y2 y1 का मान कितना है यहाँ पर, -k2 और y2 का मान कितना है, -k5 यानी -k5 और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ठीक। अब यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं, बस 1/2 हो गया यहाँ पे, -k4 इंटू ये -k5 और -k3 कितने हो जाएंगे, -k8 पांच और तीन कितने होते हैं 8, फिर प्लस की माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -k3 और 3 ये माइनस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 यानी पूरा 5, फिर प्लस के कितने हैं, 2 और यहाँ पे -k2 और -k में करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये 5 और 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर, 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा ये बंद। अब 1/2 अब माइनस की माइनस में करते तो प्लस और 8 चौक कितने होते हैं,
32, ठीक। और माइनस के पांच से कितने हो जाएंगे, 15, और दो से कितने हो गए यहाँ पे प्लस के 6। अब ये 32 है, 32 और 6 कितने हो जाएंगे, 1/2, 32 और 6 38, 38 में से हमें क्या माइनस करना है, 38 माइनस के 15। अब 38 में से 15 माइनस के करो कितने हो जाएगा, यहां कर लेते हैं 38, 38 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे यहां पर 23, 23/2। अब इसका त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 23/2 वर्ग इकाई, कितना आ गया हमारा 23/2 वर्ग इकाई। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अब बी सी डी का क्षेत्रफल देखे पहले आप इसका नोट कर ले, ठीक, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसको मान रखो x1 का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 3। अब माइनस के 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के y3 का मान कितना है 3, प्लस x2 का मान कितना है 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान है यहाँ पर 3 और y1 का मान है 5, यानी कि 3 माइनस और माइनस के 5, ब्रैकेट क्या हो गया बंद हो गया। इसके बाद में क्या है x3 कितना है प्लस के 2 और y1 माइनस y2 यानी कि y1 कितना है माइनस के 5 और माइनस y2 कहां पर है यहां माइनस के 2 यानी माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज यानी 1/2। अब यहां पर माइनस के 3 गुणा और माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 5 प्लस 3 गुणा यहाँ पर 3 ये है माइनस के माइनस बनेंगे तो प्लस 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 प्लस के 8 फिर प्लस 2 इंटू यहाँ माइनस के 5 और माइनस की माइनस बनेंगे तो प्लस के 2 और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर माइनस के 3 और ब्रैकेट क्या हो गया यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर माइनस की माइनस बनेंगे तो प्लस जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते क्या आता है प्लस और 3 पंचे कितने हो गए यहाँ पर 15 प्लस 8 + 24 और प्लस की माइनस करेंगे माइनस 2 से कितने हो गए यहाँ पर 6 और 15 और 24 कितने हो जाएंगे 39 1/2 इंटू 15 और 24 कितने हो गए 39 माइनस के 6। अब 39 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई में इंटू 33 यानी इसका कितना आ जाएगा 33/2। अब हमने इसका क्या निकाला था इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था सारे का। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे एबीडी का क्षेत्रफल था 23/2 और बीसीडी का क्षेत्रफल कितना है 33/2। अब हमें क्या करना है इस सारे को जोड़ना है। अब इस सारे को क्या कर दो जोड़ दो और 23 और 33 जब हम जोड़ेंगे तीन और तीन कितने
कितने हो गए, 6 और 5, यानी 56/2 और 56/2 का हम आधा करें कितना जाएगा 28 वर्ग इकाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का 7.3 का, और फिर चैप्टर जो 7 है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस पूरी करके देखें। जो क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, जो कक्षा 9th आप पढ़कर आए हो उसमें आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। जो अध्याय 9 था उसका उदाहरण 3 था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। अब हम ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई त्रिभुज है, भाई त्रिभुज यहां पर कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एबीसी एक त्रिभुज है, अगर मैं इसकी माध्यिका यहां से यहां तक अगर इसकी माध्यिका निकालता हूं, यहां पर हमने क्या मान लिया माध्यिका इसकी डी मान ली, यानी कि अगर इस सारे त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, इस सारे त्रिभुज का हमने क्या करा क्षेत्रफल निकाला, और फिर दूसरी बात पहले का तो हमने क्या निकाला ए बी सी का क्षेत्रफल, हमें क्या निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था, और उसे हम बराबर हम पढ़कर आए हैं कि त्रिभुज ए बी डी ये जो बना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, यानी हम ये पढ़कर आए हैं अगर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें फिर उसे आधा आधा करके क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है, हमें इसमें यही ज्ञात करना है। अब इसमें ज्ञात करने के लिए इसने एक निर्देशांक दिए हुए हैं 4, -6, 4, -6, और बी के निर्देशांक इसमें दिए हुए हैं 3, -2, कितने यहाँ पर 3, -2, और सी के निर्देशांक इसमें दिए हुए हैं 5, 2। देखो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी पीछे पढ़कर आए हैं, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया 23, 31, 12, ये हमें याद रखना है, याद रखने के त्रिभुज का क्षेत्रफल जब बनाएंगे 1/2, यानी यहाँ पे लिखो x1 और यहाँ पे क्या 23y का मान आएगा y2 - y3, फिर प्लस x2, अब यहाँ पे क्या है 31 यानी कि y3 - y1 और प्लस x3 और y1 - y2, बस हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज जब हम करेंगे यहाँ पे एक निर्देशांक हम मान सकते हैं कि x1 y1 x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3, सारे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसमें फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसके बाद में त्रिभुज हमें ए बी डी का क्षेत्रफल यानी कि इसके डी के निर्देशांक अगर हमें पता चल जाए तो हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इस वाले का। अब ये जो थी ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका जो मिड पॉइंट है तो आधी जितनी भुजा इधर है इतनी क्या है ये इधर है, तो इसके निर्देशांक अगर हम डी के निर्देशांक करें तो एक्स की वैल्यू एक्स के साथ लिखो यानी कि 3 + 5/2, इसका क्या कर दो आधा, फिर दूसरा यहाँ पर वाई के लिखेंगे तो -2 + 2/2, तो डी के निर्देशांक आ जाएगा 5 + 3 = 8/2 यानी कि 4, और 2 + 2 - 0/2 यानी कि 0, इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे 4, 0। अब आपको जो होमवर्क है, होमवर्क आपका यही है कि सबसे पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद यह चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट और कोई इश्यू हो तो वो मालूम कर सकता है, इसकी प्रैक्टिस करिए आप जितनी हो सके। थैंक्स।